अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के साथ तनाज़े पर रूसी अपनी फौज को यूक्रेन के इर्द गिर्द शुमाल में बिलारास और जनूब में क्रीमा और रूस के मगरबी सरहद पर जमा कर चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक बिलारास में इस वक्त रूसी फौज की तादाद 30,000 से तजावज कर चुकी है, जो सर्द जंग के खात्मे के बाद किसी भी मुल्क में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में रूसी फौज की तैनाती है, जबकि सरहद पर रूसी फौज की तादाद 1,00,000 से ऊपर पहुँच चुकी है। आगे बढ़ने से पहले रूस और यूक्रेन के दरमियान असल मसले के बारे में जान लेना ज़रूरी है। रूस का असल मसला यह है कि 2014 में रूस ने यूक्रेन के जनूबी इलाके क्रीमा पर कब्जा किया था, जबकि मशरक के दो सूबों पर रूसी हमायत याफ्ता अस्करी तंजीमें काबिज हो चुकी हैं। लेकिन अब अमेरिका और नेटो यूक्रेन को नेटो रुकनियत देने का इरादा रखते हैं। अब चूंकि माजी में यूक्रेन की फौज ने अपनी मशरकी सूबों को वापस लेने के लिए कोशिश में हमले कर चुकी है, लिहाजा रूस को खदशा है कि नेटो रुकनियत मिलने के बाद यूक्रेन दोबारा अपने इलाके को वापस लेने की जरूर कोशिश करेगा। अगर यूक्रेन ने नेटो का हिस्सा बनने के बाद रूस से जंग की तो रूस को यह जंग यूक्रेन के अलावा यूरोप से भी लड़नी पड़ेगी, जो रूस हरगिज नहीं चाहता। रूस ने इसी वजह से खतरे की घंटी बजने से पहले ही अपनी फौज को यूक्रेन के सरहद पर ला खड़ा किया है। अमेरिका ने रूस को ठंडा करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन अमेरिकी सदर बाइडेन, यूरोपीय यूनियन और नेटो सदर पुतिन को रूस के तहफ़ की गारंटी देने में नाकाम रही है, जिसके बाद रूसी वजारत खारजा ने यूक्रेन पर मुज़ाकरात को वक्त का ज़ाया करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस के सदर ने रूस को ठंडा करने के लिए एक और कोशिश की। वो 7 फरवरी को रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के लिए पहुंच गए। सदर पुतिन ने मुलाकात के शुरू से आखिर तक फ्रांसीसी सदर से 12 फीट का फासला रखा। यह फासला टेबल टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त भी रहा, यहां तक कि कमरे में दाखिल होने और कमरे से बाहर आने के वक्त भी रूसी सदर ने फ्रांसीसी सदर से 12 फुट का फासला रखा, जबकि इससे कुछ दिन पहले चीनी सदर से करीबी मुलाकात की थी। माहरीन के मुताबिक पुतिन की फ्रांसीसी हम मनसब से ये मुलाकात नाकाम रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटानिया ने रूस को यूक्रेन पर हमले की सूरत में संगीन माशी पाबंदियों की धमकी दे रखी है। सदर पुतिन का हालिया दौरा चीन भी इस तनाज़े की एक कड़ी है। चीन ने मुस्तकबिल में यूक्रेन पर हमले की सूरत में मगरब की तरफ से मुमकिना माशी और पाबंदियों के बाद रूस के साथ खड़ा रहने की यकीन दहानी करवाई है। ये भी मुमकिन है कि अमरीका को घेरने के लिए यूक्रेन पर हमले के वक्त चीन ताइवान पर हमला कर दे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और नेटो अपनी फौज को मशरकी यूरोप में जमा कर रही हैं। अमेरिका ने अपने 12,000 छाता ब्रदर फौज को मशरकी यूरोप में भेज दिया है, जबकि 4 B-52 बम्बारों को भी बर्तानिया भेज दिया है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटानिया ने 4,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल भी यूक्रेन को मुहैया कर दिए हैं। अब ताजा सूरत हाल यह है कि अमरीका का पूरी दुनिया को वार्निंग दे रही है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, यहाँ तक कि पुतिन ने हमले का हुक्म दे दिया है। पुतिन ने उस दौरान एटमी जंग की धमकी भी दी है, जिसकी वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। ये वीडियो गुज़श्ता रोज चैनल पर जारी की गई थी। इस जंगी सूरत हाल के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।